अब देखो बच्चों, जब ये डिफाइन कर दिया तो अब है ना आपको फर्दर क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, तो अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ओर चलता हूँ। किसकी ओर चलता हूँ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बताओ बच्चों, एक एग्जांपल है ना, आपका बुक वाला ही ले लेता हूँ। बुक वाला क्या एग्जांपल है दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। ऐसा क्या है आपका, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है क्योंकि इसका डिग्री 2 है। तो अब इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो वो रैंडम कुछ वैल्यूज दिया है, एक टेबल बनाया है। वो टेबल क्या बनाया, ऐसा कुछ टेबल है ठीक, जो कि एक बार एक्स का वैल्यू लिया है, एक्स का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट एक्स के वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू निकाल रहा है। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट एक्स का वैल्यू मैं लेता हूं, जब मैं एक्स इज इक्वल टू, यहां पे एक्स हो गया और नीचे क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। जब एक्स इज इक्वल टू माइनस टू लिया तो वाई कितना हो गया, सिक्स। सिमिलरली जब x इज इक्वल टू माइनस वन लिया तो y इज इक्वल टू जीरो, फिर x इज इक्वल टू जीरो लिया तो y इज इक्वल टू माइनस फोर, फिर x इज इक्वल टू वन लिया तो y इज इक्वल टू माइनस सिक्स। सिमिलरली जब x इज इक्वल टू टू लिया तो y इज इक्वल टू माइनस सिक्स, जब x इज इक्वल टू थ्री लिया तो y इज इक्वल टू माइनस फोर, ओके। फिर x इज इक्वल टू फोर लिया तो y इज इक्वल टू जीरो, कुछ ऐसा वैल्यू लिया है। तो अब बताओ, इसको मैं नंबर लाइन सिस्टम पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मैं सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। अब बच्चों माइनस टू पे देखो वैल्यू कितना है, माइनस टू पे वैल्यू कितना है, माइनस टू पे देखो ये क्या हो गया, जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, फिर ये क्या हो गया, वन टू थ्री, ऐसे कुछ थोड़ा डिस्टेंस पे बना देता हूँ। ये कितना हो गया वन, ये कितना हो गया वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स। सिमिलरली पीछे क्या होगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। तो बताओ माइनस टू पे वैल्यू कितना था, सिक्स था क्या, तो समथिंग सिक्स यहाँ पे ले लो, ओके। फिर माइनस वन पे वैल्यू कितना था, जीरो था, यानी कि ये पॉइंट एक ये आया, उसके बाद एक ये आया पॉइंट ठीक। फिर सिमिलरली वन पे वैल्यू, जीरो पे वैल्यू कितना है, माइनस फोर, तो यानी कि माइनस फोर समझ लो यहाँ पे आया ठीक। फिर वन पे वैल्यू कितना आया, यहाँ पे, फिर वन पे वैल्यू कितना आया, कोऑर्डिनेट माइनस सिक्स आया। फिर टू पे वैल्यू कितना आया, माइनस सिक्स आया। फिर थ्री पे कितना आया, माइनस फोर, यानी कि समथिंग माइनस फोर यहाँ पे आया। फिर फोर पे कितना आया, जीरो आया। फिर फाइव पे भी एक निकाल लो, फाइव पे वैल्यू है आपका सिक्स, फाइव पे कितना है सिक्स, तो यानी कि फाइव पे वैल्यू कितना आया, थ्री पे माइनस फोर, फोर पे जीरो, फिर फाइव पे कितना है सिक्स। यानी कि ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो ग्राफ कुछ क्या होगा, ऐसा हुआ होगा। ठीक, देखो ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। अब इसका उस पॉइंट का नेमिंग कर देता हूँ, ये क्या होगा माइनस टू कॉमा सिक्स, ये क्या हुआ माइनस वन कॉमा जीरो, ये क्या हो गया माइनस फोर कॉमा जीरो, ये क्या हो गया वन कॉमा माइनस सिक्स, ये क्या हो गया टू कॉमा माइनस सिक्स, ये पॉइंट क्या हो गया थ्री कॉमा, इसको ऐसे कर लो, ये यहाँ पे आ गया, ये थ्री कॉमा माइनस फोर, ये क्या हो गया फाइव कॉमा सिक्स, ओके। तो कुछ ऐसा ग्राफ बना क्या। तो अगर देखो बच्चों, मेरे को यहाँ से क्या समझना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, एक्स का मैं कुछ रैंडम वैल्यू लिया माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, तो मैं जब ग्राफ बनाया तो मेरा कुछ ग्राफ ऐसा आया। तो बताओ ये ग्राफ कहाँ कहाँ पे है ना कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यानी कि एक्स एक्सिस को कौन से वैल्यूज के लिए कट कर रहा है, तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे एक बार कट किया यहाँ पे, फिर एक बार है ना एक्स इज इक्वल टू फोर पे किया क्या, ये दोनों वैल्यूज क्या है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कॉमा एक्स इज इक्वल टू फोर, ये दोनों वैल्यूज को मैं क्या कहूंगा जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज के लिए,
ये दोनों वैल्यू के लिए मेरा ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को मेरे को क्या कर रहा है कट कर रहा है, तो वो दोनों पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा दीज टू पॉइंट्स आर पॉइंट आर जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। और देखो इक्वेशन से भी हो रहा है, जब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन था, जब एक्स इज इक्वल टू ये देखो माइनस वन था तो वाई मेरा क्या आया था जीरो आया ना, तो यानी कि क्या मैं बोल रहा हूँ कि ये माइनस वन इज अ जीरो ऑफ वाई, फिर ये क्या हो गया एक बार फोर इज ऑल्सो जीरो ऑफ वाई, दैट इज वाई इज द बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ओके तो मैं ये कमेंट कर दिया ठीक। अब देखो ग्राफ है ना ऐसा भी हो सकता है, या अभी तो समझ में आया ग्राफ से, तो यही मैं ग्राफ आपको बताना चाह रहा था ठीक। तो अब देखो क्या हो सकता है ग्राफ का पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, अभी तो ग्राफ क्या है माउथवर्ड ओपन है यानी कि कुछ ऐसे खुला हुआ है, ग्राफ का पॉसिबिलिटीज ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है ये ग्राफ ऐसा भी तो आ सकता था। अभी ग्राफ का वैल्यू कैसा आया था, अभी ये ग्राफ ऐसा आया था क्या, अभी ग्राफ ये ऐसा आया ना माउथ ओपनिंग अपवर्ड था, ऐसा भी तो हो सकता है माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड हो। तो ये कौन से कंडीशन में होता है, जब मैं एक जनरल इक्वेशन अभी तो हो गया आप ड्रॉ कर लिए, अब मैं कुछ और उसके आगे डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर मेरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एक्सप्रेशन कुछ ये था, क्या था कुछ ये था वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स था, तो मैं जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं लिखता हूँ, जनरल एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ये अगर क्या हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर बच्चों ए इज ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कि ए का वैल्यू ये जो ए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है अगर वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो माउथ क्या होगा अपवर्ड होगा, ओपनिंग क्या हो गया अपवर्ड हो गया। ओके अगर ए इज लेस देन जीरो हुआ तो माउथ उसका ओपनिंग डाउनवर्ड हो गया। ओके ठीक, तो ये बस क्या होगा कमेंट किससे बनाओगे कि जब ए इज ग्रेटर देन जीरो तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड, जब a इज लेस देन जीरो तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। तो इसको नोट करके लिख लो, अब लिखो इन फैक्ट फॉर एनी, लिखो नोट करके इन फैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जीरो एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन equation y is equals to ax square plus bx plus c has one of two shapes either open upwards like this one, ऊपर की ओर आ सकता है और open downwards like कैसा शेप होगा बच्चों यहीं पे कर देता हूं, और open downward like ऐसे ये शेप हो सकता है ठीक। ओके depending on whether a is
ग्रेटर देन जीरो और ए इज लेस देन जीरो और ये दीज कर्व्स आर कॉल्ड एज अ दीज कर्व्स आर कॉल्ड एज पैराबोला। पैराबोला के बारे में बच्चों में बहुत अच्छी चर्चा करेंगे हम लोग इलेवेंथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो देखो बच्चों ये जो मैं बताया था ए इज लेस देन जीरो तो इसका ओपनिंग कैसा है डाउनवर्ड है, ए इज ग्रेटर देन जीरो तो ओपनिंग आउटवर्ड है। तो इन चीजों को मैं एक लैंग्वेज के रूप में आपको दिया हूँ क्या। इनफैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर बच्चों ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं ना रहा, ये क्या हो जाएगा लीनियर पॉलीनोमियल। तो लीनियर पॉलीनोमियल ना होने के लिए हमको ए डज नॉट इक्वल टू जीरो बोलना पड़ा। द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ द दिस इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज वन ऑफ द टू शेप्स, यानी कि एक ऐसा शेप हो सकता है एक ऐसा शेप हो सकता है, डिपेंड करता है किस पे ए ग्रेटर देन, ये जो ए है ये जो ए है ए अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये माउथवर्ड माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा, अगर ए अगर आपका लेस देन जीरो होगा तो ये माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। और इसको हम लोग ये कर्व्स को ये कर्व ऐसे हो या ऐसे हो इस कर्व को हम लोग क्या कहते हैं पैराबोला। और पैराबोला के बारे में और अच्छी तरह डिस्कशन करेंगे हम लोग इलेवेंथ स्टैंडर्ड में। ओके बच्चों तो चलो यहां तक हो गया ठीक। अब देखो यहां से मैं कमेंट बना सकता हूँ क्या, जब इतना हो गया बच्चों तो देखो अब एक और इसमें नोट करके लिख लो द फैक्ट दैट देखो अभी है ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या था एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर ऐसा कुछ था ना। तो ये कौन से वैल्यूज के लिए जीरो हो रहा था एक्स इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू फोर के लिए क्या हुआ था जीरो हुआ था। तो यहां से मैं कमेंट क्या बताया था ये दोनों यानी कि ग्राफ इसका कहां बना था कुछ ऐसा ग्राफ बना था ना ऐसा ग्राफ बना था क्या और ये है ना इंटरसेक्ट हो रहा है ये माइनस वन कॉमा जीरो और ये क्या है फोर कॉमा जीरो। तो यानी कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट्स पे कट कर रहा है दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे नोट करके लिख लूंगा क्या क्या लिखूंगा द फैक्ट दैट लिखो द फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दैट इज लिखो द फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दैट इज द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉमा ए डज नॉट इक्वल टू जीरो आर प्रिसाइजली precisely the x coordinates of points where the y is equals to ax square plus bx plus c intersects
द एक्स एक्सिस। ओके बच्चों, मैं जो बोल रहा कि ये जो है ना ग्राफ क्या था, ये दो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना, वही लैंग्वेज में लिख रहा हूं। ये जो फैक्ट है ट्रू फॉर ऑल द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, दैट इज जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कट करता है, इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली ये पॉइंट क्या देगा जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। तो यहाँ का जो एक्स का वैल्यूज होगा वो मेरा क्या होगा जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ओके बच्चों, ठीक। तो अब है ना बच्चों देखो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में कुछ चार पांच केसेस बनते हैं, ठीक। आज मैं बस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कंप्लीट करके आपको छोड़ दूंगा, फिर कल है ना फिर क्यूबिक से स्टार्ट करूंगा। ओके, क्यूबिक पॉलीनोमियल के बारे में फिर कल डिस्कशन करूंगा। तो अभी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के अंदर में कुछ और चर्चा होगा, क्या होगा देखो अभी केसेस बना रहे बोलो, मतलब यहाँ तक तो डिस्कशन हो गया है, अब कुछ फर्दर केस के बारे में बोलो, फर्दर केस स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों देखो,